This is Shivam Info Media and Open Broadcasting Services, a venture of Shivam Group, and you're watching Local TV. चार साल से रेबेना मंडल के दुब्बागुड़ा गांव में बारिश के पानी जमा हो जाने से रास्ता डूब जाने की समस्या आ रही थी। चार साल से ये समस्या झेल रहे लोगों ने इस बारे में तहसीलदार दफ्तर में बताया। डिप्टी तहसीलदार ने इस समस्या के बारे में कलेक्टर साहब को बताया। चार घंटे के अंदर कलेक्टर साहब और डिप्टी तहसीलदार ने मरम्मत का काम करवा कर चार साल की समस्या को दूर कर दिया। इसके लिए डिप्टी तहसीलदार ने कलेक्टर को धन्यवाद दिया। ऐसे ही अफसरों के रहने की उम्मीद अक्सर जनता करती है, जो कि जल्द से जल्द लोगों की समस्या हल कर सकें। मायावती की पार्टी बहुजन समाज पार्टी यानी BSP में अरशद हुसैन की एंट्री के साथ ही उन्होंने इलेक्शन के लिए अभी से कमर कस ली है। उनके आने के बाद पूरे कोमरम भीम जिले की नई टीम बनाई गई है, जिसको रेगुलर बनाने के लिए हैदराबाद से BSP के स्टेट कोऑर्डिनेटर डॉक्टर RS प्रवीण कुमार आए थे। जिले की कमेटी के साथ साथ हर मंडल और बूथ लेवल कार्यकर्ताओं की भी नियुक्ति की गई। प्रजाबंधु फाउंडेशन ने इस बार फ्री ग्राफिक डिजाइनिंग का तीसरा बैच जमा किया है। बेरोजगार युवाओं को इसमें मुफ्त में ग्राफिक डिजाइनिंग सिखाई जाएगी। ये कोर्स हैदराबाद जाकर करना पड़ेगा। वहां रहने और खाने का खर्च फाउंडेशन खुद उठाएगी। कोर्स खत्म होने के बाद नौकरी भी दी जाएगी। जो भी बेरोजगार युवा इंटरमीडिएट पास किए हैं, वो इस कोर्स के लिए एलिजिबल है। ये कोर्स प्रधानमंत्री कौशल विकास केंद्र में करवाई जाएगी। कागजनगर शहर के लक्ष्मीकरण लैब में कल फोटो एंड वीडियोग्राफर एसोसिएशन की मीटिंग हुई। अक्टूबर 1 से 3 तारीख को हैदराबाद में होने वाले फोटो ट्रेड शो में जाने का सभी ने निर्णय लिया। जिन्हें भी फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी का शौक है, वो इस शो में जाकर नई टेक्नोलॉजी के कैमरा और इक्विपमेंट्स के बारे में जानेंगे और खरीदेंगे। इससे फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी में बेहतरी होगी। पेची कल्पित मंडल के कोंडापल्ली गांव में कल प्लास्टिक मुक्त कोंडापल्ली के नारे के साथ ने रैली निकाली। उन्होंने सामूहिक रूप से प्लास्टिक का बहिष्कार कर दिया। गांव में अब कोई भी प्लास्टिक का उपयोग नहीं करेगा। साथ ही लोगों ने ये संदेश दिया है कि हर गांव में ऐसा अभियान चलाया जाना चाहिए। कलेक्टर श्री राहुल राज ने कल ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई। ऐसे में उन्होंने हर पॉलिटिकल पार्टी से ये कहा कि वो बूथ स्तर पर वोटर कार्ड एनरोलमेंट प्रोग्राम करे। नवंबर 1 से 31 तारीख के अंदर सभी 18 साल से ज़्यादा उम्र वाले लोगों को ऑनलाइन में वोटर आईडी कार्ड के लिए फॉर्म भरना पड़ेगा। 5 जनवरी 2022 को नई वोटर लिस्ट बनेगी। ज़िले में होने वाले उपचुनाव के मद्देनज़र ये विशेष अभियान चलाया जाएगा। यदि आपको भी अपना वोटर आईडी कार्ड बनाना है तो आप शिवम इन्फोटेक के कॉल सेंटर 7386476917 पर फ़ोन करके इसके लिए अप्लाई कर सकेंगे। इसके लिए सबसे पहले आपको अपना आधार कार्ड सही करवाना पड़ेगा। उसमें बायोमेट्रिक, डेट ऑफ बर्थ, फोटो और मोबाइल नंबर अपडेट करवाना पड़ेगा। जब आपका आधार कार्ड सही हो जाएगा, तब आप इस नंबर पर फ़ोन करके अपना वोटर आईडी कार्ड बनवा सकते हैं। जनवरी के पहले हफ्ते में आपका नया वोटर कार्ड बनकर तैयार हो जाएगा। इसकी फ़ीस 150 रुपये लगेगी।